आज इस सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्क्रोटम से लेकर और पेनिस तक सारे पार्ट आपको विजिबल है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों पेल्विक कैविटी में या पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, और इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। टेस्टिस तो हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं मेल एसेसरी डक्ट्स जो रिटेड टेस्टिस, वैसा इफरेंस, एपिडिडाइमिस और वैसा डिफरेंस से मिलकर बनते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा मेल एसेसरी ग्लैंड जिसमें सेमेनाइल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल या जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये पेयर्ड है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रोटम की। एक हाईली पिगमेंटेड पाउच है स्किन का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में टेस्टिस माइग्रेट या जिसको डिसेंट कहते हैं, डिसेंट करके स्क्रोटम में एंटर कर जाती है। बट कई बार ये प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इनेबिलिटी ऑफ टेस्टिस टू मूव और डिसेंट इनटू स्क्रोटम इज नोन एज क्रिप्टोकाइटिज्म। क्रिप्टोकाइटिज्म तो सर्जिकली इसको करेक्ट किया जाता है, राइट। दिस स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर। ये टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, राइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इसी के हेल्प से होती है। एंड इट हैज 2 कंपार्टमेंट्स, स्क्रोटल कंपार्टमेंट, जो कि डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रोटल सेप्टम। एंड ईच कंपार्टमेंट इनक्लोजेस 1 टेस्टिस। दिस टेस्टिस सॉरी दिस स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू पेल्विक कैविटी विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल के हेल्प से ये पेल्विक कैविटी से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। कई बार ये डिसेंट कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है इनटू दैट पेल्विक कैविटी एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इंग्विनल हर्निया। तो ये 2 एबनॉर्मेलिटीज ऑलरेडी आपको पता चल चुका कि इंग्विनल हर्निया क्या होता है एंड क्रिप्टोकाइटिज्म क्या होता है। थर्मोरेगुलेटर है, टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में हेल्पफुल होता है टेस्टिस टेस्टिस का। देन सेकेंड और इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं एंड ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स एंड दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जो कि टेस्टिस के लोअर पार्ट से, कोडल एंड से स्क्रोटल वॉल तक जाती है, दैट इज नोन एज ग्यूबरनेक्यूलम। ग्यूबरनेक्यूलम उसको हम कहते हैं। एंड ईच टेस्टिस अगर हम उसके डायमीटर्स की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है इट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ओवल शेप स्ट्रक्चर है, राइट। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स। आगे हम डिस्कस करेंगे ये कवरिंग्स कौन सी होती है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 250 कंपार्टमेंट टोटल थे और एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसका मतलब टोटल 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैन बी फाउंड इन ईच टेस्टिस। एंड दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वैसा इफरेंसिया। उससे पहले एक नेटवर्क बनता है विच इज नोन एज रिटेड टेस्टिस, और ये वैसा इफरेंसिया टेस्टिस के ऊपर से मूव करती है, हमने डायग्राम में अभी देखा था पीछे, और ओपन हो जाती है एपिडिडाइमिस में, राइट। ये देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता रहा था, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो नियरली 250 दीज लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस एंड ईच लोब्यूल हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स. सो टोटल 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पे ओपन होते हैं विच इज नोन एज रेटे टेस्टिस, एंड रेटे टेस्टिस इज कनेक्टेड टू दिस एपिडिडाइमिस, सॉरी वैसा इफरेंसिया, इज कनेक्टेड टू वैसा इफरेंसिया. ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज वैस इफरेंस, एंड दिस वैस इफरेंस इज कनेक्टेड टू एपिडिडाइमिस, राइट. इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा का पूरा जो है इसकी कवरिंग जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, क्योंकि यहां पे जर्म सेल्स बनने वाली है. मेल जर्म सेल्स जो कि क्यूबोइडल स्ट्रक्चर्स हैं, आगे मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, एंड दीज मैच्योर मेल जर्म सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, जिनमें डिवीजन होकर फिर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस होगा एंड इट लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर मेल जर्म सेल्स, क्यूबोइडल इन शेप, एंड सर्टोली सेल्स कॉलमनर सेल्स हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. एनसीईआरटी में भी आपको बहुत क्लियर कट डायग्राम इसका दिया हुआ है. एंड इफ स्पर्म्स आर डैमेज्ड तो उनका फैगोसाइटोसिस, उनकी इनगल्फिंग करने का भी काम करते हैं, एंड दे सिक्रीट स्पर्म एक्टिवेशन और स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर अलोंग विद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहां से रिलीज होता है विच हेल्प टू कंसेंट्रेट द सीमन. नाउ देर आर सर्टेन स्पेसिस इन बिटवीन. अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली, अगर हम बात करें तो यहां पे सेल्स का ग्रुप हो गया, यहां पे इस तरह की सेल्स हैं, और इनके बीच में जो गैप्स हैं, यहां पे एक दूसरे टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है. लेडिक और इंटरस्टिशियल. तो ये कॉलमनर सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और एबीपी सिक्रीट करती है, राइट. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर लेडिक सेल्स, जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन की सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है. मैं अभी आपको डायग्राम बता रहा था, मेल जर्म सेल विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की. एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर सर्टोली सेल्स, एंड लास्ट वन आर लेडिक सेल्स. सर्टोली सेल्स क्या कर रही थी? सर्टोली सेल्स फैगोसाइटोसिस, देन न्यूट्रिशन, देन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर दी सर्टोली सेल्स, याद कर दी, करके बताइए मुझे फटाफट. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी की सिक्रेशन करती है, उसके अलावा इनहिबिन सिक्रेशन में भी इनका रोल होता है, इनहिबिन सिक्रेशन में भी इनका रोल होता है. जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको, उसकी सिंथेसिस को सप्रेस करता है, राइट. तो जो क्यूबोइडल सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगा, सॉरी माइटोसिस होगा, और स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी. स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस वन हो जाएगा यहाँ पे, जिससे हैप्लोइड सेल्स बन जाएंगी जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे. एंड दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस अगेन टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स. यहाँ पे स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात होगी, राइट. नाउ लेडिक सेल्स एंड्रोजन सिक्रेट करेंगे, मेल सेक्स हॉर्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं. तो यहां पे आपको सारे सेक्शनल व्यू में मेल जर्म सेल्स भी दिख रही हैं आपको, स्पर्मेटोजोआ भी दिख रहा है, और सर्टोली सेल्स दिख रही है, और उनके बीच बीच में लेडिक सेल्स आपको दिखाई देंगे. ओके, दिस इज रिगार्डिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ रीटे टेस्टिस से होते हुए वैसे फ्रेंचिया के बाद ये स्पर्म पहुंचते हैं एपिडिडाइमिस में, जहां पे टेम्परली स्टोर किए जाते हैं. तो ये 6 मीटर लंबी तक स्ट्रक्चर होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कोडा, कॉर्पस एंड कैपुट एपिडिडाइमिस. ये पार्ट
विदाउट कोइलिंग या वेरी लेस कोइलिंग वाला होता है। यहाँ पे सब हाईली कोइल्ड पार्ट है ये, और मिडिल पार्ट में मॉडरेट अमाउंट ऑफ कोइलिंग इज फाउंड। तो एपिडिडाइमिस टेम्परली स्टोर करता है स्पर्म्स को। इट ऑल्सो नरिश प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, राइट। तो स्टोरेज टेम्परली स्टोरेज ऑफ द स्पर्म एंड नरिशमेंट टू द स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय एपिडिडाइमिस। देन फ्रॉम एपिडिडाइमिस इट रीचेस टू वास डिफरेंस। अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर है, अगेन दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स विच ओपन्स इनटू कहां पे जाके खुलेगा, वैसे डिफरेंस आगे इजेकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। सो वैसे डिफरेंस कोडा एपिडिडाइमिस से अराइज होगा, जो लास्ट पार्ट होगा एपिडिडाइमिस का वहां से ये अराइज होता है। एंड इट लीव द स्क्रोटल सैक एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जो इंग्वेनल कैनाल की हमने बात की थी वहां उसके थ्रू ये मूव करेगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। अगर शुरू वाला डायग्राम अगर आपको ध्यान होगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये मूव करके और सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करेगा। सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलके ये इजेकुलेटरी डक्ट बना देगा। सो डक्ट कहां से आई, सेमिनल वेसिकल से, और उसके बाद मिलके क्या बन गई, इजेकुलेटरी डक्ट। तो जो स्पर्म को रिलीज करने का काम करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, वो यहीं से होता है। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट किस किस से मिलके बनती है, मैंने बताया था आपको, रेटेड टेस्टिस, वैसे डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैसे डिफरेंशिया, मेल एसेसरी डक्ट। ये डक्ट क्या करती है, इट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, बाहर ले जाने का काम करती है। नाउ लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है। ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, ये सबसे छोटा हिस्सा होता है यूरेथ्रा का। एंड पेनाइल यूरेथ्रा इज सिचुएटेड, नाम से पता चल रहा है पेनिस में सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इन पेनिस। और यहां पर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, वो स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। इंटरनल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स का बना हुआ है। तो जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा दोनों चीजों को कैरी करते हैं, मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरेथ्रा दोनों चीजों को कैरी करते हैं। क्या दोनों चीजें, यूरिन एज वेल एज सीमन, यूरिन प्लस सीमन को वो कैरी करते हैं। सो इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट ऑल्सो। एंड जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसके थ्रू यूरेथ्रा बाहर ओपन होता है, एंड दैट इज नोन एज, दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस, दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस के थ्रू वो बाहर ओपन हो जाता है। एंड पाथवे की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक देखा टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैसा डिफरेंस, दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। एंड यहां यूरेथ्रा से होता हुआ ये पेनिस के थ्रू बाहर चला जाता है, राइट। सो पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हाईली इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है एंड हेल्प्स इन इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन में ये हेल्प करेगा, राइट। और ये वाला पार्ट एंड दिस मेल एसेसरी ग्लैंड्स विल डिस्कस इन लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने बेसिक चीजें डिस्कस की थी, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस का डिफरेंस क्या होता है। एंड नाउ इन लेक्चर 3 विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस
एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग, रिवाइज वेल, और लेसन के एंड में मैं आपको पूरी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा नोट्स की, एज वेल एज जो पीवाईक्यूज हैं एंड एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन एमसीक्यूज विल बी प्रोवाइडेड। तो अगर आपको हर लेक्चर के बाद चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। गुड लक।